का यूज कर लेना तो फोटो और बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जो तो अभी के Hi everyone, मेरा नाम है अवनी। कैसे हैं दोस्तों? तो स्वागत करती हूँ मैं फिर से आपका एक अनदर ब्लॉग में। तो बेसिकली ईस्टर है हमारा संडे को, लेकिन यहाँ पर हमें फ्राइडे की छुट्टी मिल गई, यानी कि लॉन्ग वीकेंड है। फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन हमारे पास है फुल मस्ती करने के। बाहर हम लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ पास में हम लोग आज ग्रोसरी करने के लिए जाएंगे सेव मार्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यारा को मैं जितना फ्रेश चीजें दूं उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि क्यारा के लिए ना छोटी छोटी चीजें जैसे फ्रूट्स हो गए मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेकर के आती हूँ, फिर वो फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा बाय कर लेते हैं। तो मैं वो नहीं करती हूँ कि मतलब एक साथ ज्यादा एक साथ खरीद लिए और उसी में हम लोग खा लेते हैं। तो आज बनेंगे छोले भटूरे, और क्योंकि फरमाइश थी कि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए और ऐसा कुछ मतलब बनाया था, क्योंकि होली पे भी बनाया था मैंने, पूरी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को पूरी ज्यादा पसंद आती नहीं है खाने में, लेकिन छोले भटूरे बहुत पसंद है। मतलब पूरी के लिए तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा ऑयली हो गया और भटूरे एयर फ्राई होते हैं तो खैर छोले भटूरे बनेंगे, लेकिन उसके लिए ना मैं दही जमाना भूल गई, और दही के मतलब रायता तो चाहिए ही चाहिए छोले भटूरे के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके साथ उसके लिए ना आज अभी मैं थोड़ी सी चीटिंग करने वाली हूँ, और इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी ये टिप। एक ट्रिक है जो कि मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभार जब मैं भूल जाती हूँ दही जमाना रात के टाइम। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो दही मैंने जमाई है वो होटकेस का यूज़ करते हुए, और उसको मैंने रख दिया है धूप में कम से कम 2 घंटे के लिए, और तब तक हम अपना थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वैक्यूम हो जाए घर में, मतलब हफ्ते में 2 बार करती हूँ क्योंकि क्यारा की वजह से, और ये सब चीज़ें चलती रही काम और 2 घंटे पूरे हो गए। तो चलिए अब रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो बेसिकली पूरे के पूरे 2 घंटे मैंने इसमें यहाँ पे रखे थे। तो ये मैंने रखी थी लगभग 10 बजे मैंने धूप में रख दिया था ये, और क्योंकि हमारे घर पे ना बहुत अच्छी वाली धूप आती है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि अब स्प्रिंग आ गई है तो ऐसे घटा या बादल वगैरह या बारिश वारिश का ऐसा कुछ वो नहीं है। तो फिलहाल अभी पहले रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट 2 घंटे के अंदर ये होटकेस है, होटकेस के अंदर मैंने ये दही जमा करके रख दी थी, और विद इन 2 आवर यहाँ पे ये दही जम चुकी है। तो चलिए थोड़ा सा ये देख लिया जाए। तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छा वाला दही जम करके तैयार हो गया, और ये जो ट्रिक है मेरी ज्यादातर उस टाइम काम आ जाती है जब मैं भूल जाती हूँ दही जमाना। वैसे तो मैं रात में जमा करके सो जाती हूँ तो सुबह तक आपको अच्छे से मिलती है, लेकिन ना कितनी बार, वैसे सच बताऊं तो मैं एक ही बार यहाँ पे अभी तक जमाई है, और उसके बाद से तो मैं रेगुलर मैं भूल ही रही हूँ, और मैं 2 घंटे में मेरी दही बन करके तैयार हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से ट्रिक बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करी ना तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। लेकिन ध्यान रखिए ये जो कैस्ट्रोल या होटकेस जो होता है ना वो ही होना चाहिए, और उसको उठा करके आप धूप में रख दो, 2 घंटे में तैयार। चलो क्या रहा? क्या चाहिए? बलून। चलो चलो आज आज। वैसे यहाँ पे ना जो स्टोर होते हैं वो वैसे ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ईस्टर है तो इसलिए ना बहुत कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रखी थी इन्होंने, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और क्यारा उनको देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो बस सेव मार्ट आए हैं कुछ कुछ सामान लेने के लिए जो कि नॉर्मल ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैं इंडियन मार्केट से ही सब्जियाँ वगैरह लेकर के आती हूँ, लेकिन फ्रूट्स मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ से ही लूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश मतलब मुझे दिखाई देते हैं, बजाय कि इंडियन मार्केट से मैं लेकर के आऊँ। और वन मोर थिंग कि मैं ना हमेशा अपना ही बैग कैरी करती हूँ, चाहे मैं पास में जा रही हूँ, चाहे मैं इंडियन मार्केट से कुछ सामान लेके आ रही हूँ, या फिर मैं कॉस्को जा रही हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं, मेरा बैग हमेशा रहता ही रहता है हमारे साथ। और एक छोटा छोटा सा मतलब थोड़ा बहुत मतलब सामान मैं कैरी कर लूँ क्यारा के साथ, और थोड़ा जो बड़ा वाला सामान होता है वो मेरे हस्बैंड कैरी कर लेते हैं। और ये दिखा रही थी मैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है हमारे घर से ना, बहुत बहुत ही खूबसूरत व्यू आते हैं, पूरी नेचर इतनी प्यारी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी हम लोग आए हैं और जो भी सामान अरेंज करना था वो सब कर दिया, लंच हम लोगों ने पहले ही कर लिया था,
ताकि मुझे आते, क्योंकि सामान भी होता है ना साथ में, और फिर लंच की भी तैयारी करो, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पहले लंच कर लो फिर किचन साफ हो जाए, फिर बाकी जो सामान आएगा ना वो अच्छे से फिर अरेंज हो जाता है। और क्यारा भी बैठ करके अपना ग्रेप्स इंजॉय कर रही है। एंड मौसम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है आजकल, क्योंकि पहले जब मैं आई थी, मतलब 15 दिन भी मुश्किल से मेरे ख्याल से नहीं हो गए 15 दिन तो तब यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही थी, और लेकिन अब लग रहा है कि हाँ हम लोग गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो मौसम अच्छा लग रहा है। और प्यास आज बहुत ज्यादा लग रही, एक तो भटूरे खाए हैं, ऊपर से बाहर भी काफी ज्यादा धूप थी, तो मतलब पानी पे पानी पिए जा रहे हैं आज तो। और बस एक चीज मुझे बतानी थी ये कि भटूरे हम लोगों ने खाए, लेकिन क्यारा को मैंने ना रागी का एक आटा मैंने तैयार किया था, जिसमें बिल्कुल हाफ अमाउंट में रागी था और हाफ अमाउंट में जो हमारा आटा रहता है आशीर्वाद आटा हम लोग यूज करते हैं वो, और उसको मिक्स करके मैंने दूध में उसका आटा गूंथा था, और फिर मैंने उसके लिए पूरी बनाई थी। मैंने भटूरा उसको नहीं दिया, क्योंकि एक तो फिर क्योंकि ना मैदा आसानी से पच नहीं पाता बच्चों का, तो इसलिए मैंने ये करने की कोशिश करी है। एंड अच्छा लगा, उसने भी बहुत अच्छे से खाया है। और क्या ना, क्यारा ना दूध पीने की बहुत बड़ी चोर है, दूध तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैं ना ये सब ट्रिक आजमाती रहती हूँ। और ऊपर से क्या ना, रागी मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे सर्च करना ही पड़ता है कि दूध के ऑप्शन में क्या है, तो ये एक रागी भी मुझे ऑप्शन में दिखाई दिया था। मैंने आज तक ना तो उसका नाम सुना था ना कभी मतलब खाया था, लेकिन क्यारा के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार, सैटरडे का दिन है, और कल फ्राइडे में बस उतनी ही वीडियो बना पाई, क्योंकि क्यारा को थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो फिर मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा, तो वीडियो को मैंने थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर दिया। खैर, अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैं एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही थी, और सोचा कि थोड़ा सा एक फ़ोटोशूट भी कर लिया जाए, तो बस अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर घूमेंगे इधर उधर और देखेंगे कहाँ पे एक परफेक्ट लोकेशन मिलती है जहाँ पर मैं खुद से शूट कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वाली जो लोकेशन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हमारे घर के बिल्कुल बाहर ना एक ये पाम का पेड़ लगा हुआ है। हाँ जी, एक ऊपर से ये छोटा बच्चा भी मेरे साथ घूमी घूमी कर रहा है, इसको चाहिए कि बस मैं इसके लिए पार्क में चलूं। तो चलो देखते हैं कहाँ मिलती है कोई एक अच्छी सी लोकेशन। देखो ये कितना प्यारी फ्लावर लग रहा है ना। तो एक लोकेशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ फ़ोटो खींचूं, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। और ये सब फोटोग्राफ देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा मुझे, है ना क्यारा, है ना क्यारा, इधर देखो, इधर तो देख लो, डन कर दो सबको, डन 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 डन। अगर फोटोज में थोड़ा बहुत प्रॉप का यूज कर लेना तो फोटो और बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जस्ट तो अभी क्या ना, मैं अपना एक बैग लेकर के आई हूँ, तो सोच रही हूँ कि हाँ इसका कुछ यूज करूंगी। सच कहूँ तो इतने सारे फोटोज लेने पड़ते हैं, ओ गॉड, इतने सारे फोटोज लेने पड़ते हैं तब जाके कहीं एक फोटो अच्छा हो गया फोटो शूट। ओह गॉड, पता नहीं कैसे आएंगे फोटो। अभी क्या ना, मैं ये ट्राईपॉड अपने साथ लेकर के आई हूँ और जगह जगह फोटोग्राफ लिए हैं, होपफुली एक आधी अच्छा आ जाए तो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। तो चलो घर चले, घर चले, शाम को फिर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। अभी लंच भी करना है, लाडो लंच करके फिर आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये खाओगी, जल्दी बताओ खाना है, ये खाना है आपको, ये खाना है, हाँ देखा ना अपना फेस तो देखो, आपने बिंदी लगाई है मम्मा की, हाँ चलो लाओ, मैं दे दूँ ठीक है, मैं देती हूँ अभी, जल्दी जल्दी दे दूँ। ये दे दूँ मैं आपको, अच्छा ठीक, बस क्यारा खा रही है और थोड़ी कोई खा रहा है। तो कल मैं कह रही थी ना कि मौसम कितना अच्छा हो गया है, अब दोबारा से गर्मियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी सच कहूँ तो ठंड का फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं। यार अंदर चलो बाबू, ठंड लग जाएगी आपको। तो बाहर की लाइट जला देती हूँ मैं, एक सेकंड के लिए बस बाहर गई हूँ।
ये था कि मतलब चलो क्या लोग थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो फिर कैंसिल कर दिया मैंने प्लान आज का, क्योंकि कुछ कुछ काम करना था। वीडियो मेरी एडिट नहीं हुई थी अभी तक, और डिनर की कोई प्रिपरेशन मैंने अभी तक नहीं करी, तो वो सब काम करने हैं। और बाय द वे बाहर जाके देखा मैंने, कहा ये तो हाथ नहीं लग रही अभी बाहर घूमने कार। तो गाइज आज है संडे, और संडे की शाम को हम लोग बाहर घूमने के लिए आए हैं। सच कहूँ तो पूरा दिन ना आज मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। उसका रीज़न ये था कि जो पीछे छोटा बच्चा आ रहा है ना, आज इसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, और गिर गई थी मतलब, तो पूरा जो घर का माहौल है ना वो थोड़ा वैसा हो गया था कि जैसे घर की जान ही चली गई। तो बस मन नहीं करा व्लॉग बनाने का ज़्यादा कुछ, तो अभी फ़िलहाल ठीक लग रही है, तो हम लोग इसको बाहर घुमाने के लिए लेके आए। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर हैं। तो आज मैंने पता है क्या किया, लाइफ में पहली बार मैंने फ्रोजन खाना कुछ बनाया है। किधर चलना है, उधर चले वहां पे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैठ करके बातें करूं, क्योंकि चलते चलते ना ये सब बातें हो नहीं पाती हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैंने लाइफ में पहली बार फ्रोजन कुछ बनाया था, तो मैंने बनाया था MTR का दाल मखनी। और आज क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड ने बहुत बार ये फ्रोजन खाना खा रखा है, तो वो तो हम मतलब यही कि मतलब क्यों मंगा रही हो, बेकार है ये सब। लेकिन मैंने बाई चांस ऐसे टाइम के लिए मंगाया था कि कभी क्यारा की वजह से मैं खाना नहीं बना पाऊँ। और यू नो कितनी बार बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, कुछ काम करने नहीं देता, वो दिन ना आज था मेरे लिए। क्योंकि थोड़ा सा परेशान थी तो मेरे पास ही चिपकी रही, तो लेकिन उसमें मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि ना वो मन सा नहीं मान रहा था मेरा कि बस ऐसे गर्म करके मैं दे दूँ। तो मैंने तड़का लगाया था, और उसमें मैंने जीरा डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्च, उसको भूनने के बाद मैंने अदरक लहसुन, और उसके बाद मैंने प्याज डाली थी, उसको अच्छे से भून लिया था। और मसाले में मैंने केवल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च थी तो कलर अच्छा था उसका। तो बस उसको अच्छे से फ्राई करके टमाटर उसके अंदर ऐड करे, और बस फिर हमने जो दाल थी वो उसके अंदर डाल दी। जिस मोमेंट में मैं ये सब चीज़ें बना रही थी ना, वो मेरे लिए सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि क्यारा मेरे पास रहना चाह रही थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ खाना बना सकूँ। तो उस टाइम कुछ ना कुछ अवेलेबल ऐसा होना चाहिए कि हाँ कुछ घर में बन जाए। तो आई थिंक मैंने केवल एक ही पैकेट मंगाया था, और मुझे लग रहा है कि अब की बार जो मैं इंडियन मार्केट से या फिर कॉस्को वगैरह से कुछ सामान मंगाऊंगी तो उसमें एक या दो पैकेट और एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि कभी ना कभी काम आई जाएंगे। दाल मखनी के साथ हम लोगों ने खाए थे राइस, है ना क्यारा? राइस खाए थे आपने? अच्छा, तो बस अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। आ जाओ जल्दी आओ। शक बेबी शक, ट्री कहाँ है? ट्री क्या है? शक बेबी शक, राउंड एंड राउंड। ओह माय गॉड, इतनी हंसी आ रही है। बीबी नहीं, सॉरी, द व्हील्स ऑन अ बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। बा बाला, आय हाय आय हाय, बाला बाला सुनोगे आप? अच्छा कैसे है वो सॉन्ग, मैं तो भूल भी गई। बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, शैतान गजाला, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला। लाइव परफॉर्मेंस दे रही लड़की। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी, मेरे जो व्लॉग्स है, एक्चुअली सच कहूँ ना, मैंने व्लॉग्स आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि अब नहीं तुम व्लॉग नहीं बनाती हो, लेकिन फाइनली अब मैं बना रही हूँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, आई थिंक डेली ना थोड़ा सा क्यारा के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज अ चैलेंज मैं कभी ना कभी इसको ट्राई जरूर करूंगी कि मैं कम से कम डेली कुछ टाइम के लिए व्लॉग बनाऊं। देखते हैं उसमें क्या हो पाएगा, कितना मैं कर पाऊंगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर की दीजिए, छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि वीडियो में आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या ये वीडियो में
क्या अच्छा लगा आपको वो सब प्लीज जरूर बता दिया कीजिए, क्योंकि मुझे ना इससे मतलब मुझे पता चलता है कि आप एक्चुअली में और क्या देखना पसंद करेंगे। और बस शेयर कर देना मेरी वीडियो को, जब आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंचती है और मुझे भी फायदा मिल जाता है उससे। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बाय बाय कर दो, बाय बाय।